अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 इंडियन इंडस्ट्री। सो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री कंप्राइजेस फर्म्स एंड फैक्ट्रीज विच कन्वर्ट मटेरियल्स इनटू यूजफुल थिंग्स। इंडस्ट्री के अंडर आते हैं बच्चों फर्म्स और फैक्ट्रीज, जहां पर मटेरियल्स को, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है यूजफुल चीज़ों में। जैसे कि कॉटन को बदला जाता है क्लोथ में, और बीज जो होते हैं तरह तरह के उनको बदला जाता है ऑयल में। ओके, सो अब हमें आंसर देने हैं इन सारे क्वेश्चंस के जो हैं इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में। उससे पहले यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री होती है उसे कहते हैं हम सनराइज इंडस्ट्री। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास आईटी इंडस्ट्री। तो चलिए पढ़ते हैं, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। हमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देने हैं सनराइज इंडस्ट्रीज के। तो पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। ओके, सो पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज आईटी इंडस्ट्री। Now give two examples of sunset industry. हमें sunset industries के बारे में दो example देने हैं। तो पहला है cement industry and the second one is jute industry. ये है sunset industries. Okay? तो चलिए आगे चलते हैं। So बच्चों यहाँ answers समझाने से पहले हम ये पढ़ते हैं, पॉपुलर इंडस्ट्री इज कॉल्ड सनसेट इंडस्ट्री। ओके, इमर्जिंग इंडस्ट्री को कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, और पॉपुलर इंडस्ट्री को हम कहते हैं सनसेट इंडस्ट्री। जैसे स्टील इंडस्ट्री, ओके, देयर आर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लाइक दोज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। सो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लाइक दोज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। प्राइवेट इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं इंडस्ट्रीज जैसे तारा आयरन एंड स्टील, टिस्को, विमल फैब्रिक्स एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इंडस्ट्रीज आर ऑफन क्लासिफाइड एज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक कारपेट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। सो साइज के हिसाब से कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कि शुगर एंड टेक्सटाइल मिल्स। तो चलिए इन आंसर्स को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। सो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के आपको यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ओके, और उसके बाद है इंडियन रेलवे एंड एयर इंडिया, राइट। नाउ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री टिस्को, टेलको एंड रिलायंस। सो ये हैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के। Now question number 4 is name 5 industrial exports and imports of India. हमें इंडिया के 5 exports और imports के बारे में बताना है। तो export goods हैं हमारे raw jute, rice, tea, sugar, aluminium, और import goods में आते हैं zinc, wheat, copper, oil and paper. So आपको यहाँ पर इन सब को लर्न करना है बच्चों। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द नेम्स ऑफ 2 इंडस्ट्रीज। हमें 2 इंडस्ट्रीज के नाम लिखने हैं विच आर अंडर जॉइंट, जो कि अंडर जॉइंट हैं, जुड़ी हुई हैं। कैसे? प्राइवेट सेक्टर भी हैं वो और गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं। तो वो है एक तो मारुति सुजुकी एंड सेकेंड वन इज मैंगलोर रिफाइनरी, राइट। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश पब्लिशिंग हाउस, एक पब्लिशिंग हाउस है प्रकाश पब्लिशिंग हाउस, वो बुक्स पब्लिश करता है एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन, सब बच्चों के लिए वो बुक्स पब्लिश करता है। अब हमें ऐसी एक और इंडस्ट्री का नाम बताना है विच प्रोड्यूसेस गुड्स ओनली फॉर किड्स।
सो वो इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री. ओके, और हमें इसके दो एग्जाम्पल देने हैं इनके एंटरप्राइजेस की. तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास लियो टॉयज और एक है फन स्कूल. ओके, टॉय इंडस्ट्री ही है जो अपने प्रोडक्ट्स को बच्चों के लिए बनाती है. अब उसकी दो एंटरप्राइजेस हैं लियो टॉयज एंड फन स्कूल. तो बच्चों, आपने ये सारे एग्जाम्पल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, लार्ज इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब लर्न करने हैं. ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है.